दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल को सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच मैच में रोहित कोहली और गिल की अद्भुत बल्लेबाजी देखकर अनुष्का शर्मा पूरी तरह से हैरान रह गई और इन तीनों की तारीफ करते हुए करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। तो आखिर अनुष्का शर्मा ने ऐसा क्या कुछ रोहित कोहली और गिल को लेकर कहा जिससे पूरे क्रिकेट जगत में उनकी चर्चा होने लगी? करोड़ों फैंस के दिल छू लेने वाला बयान आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में से सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है। दोस्तों, भाग टीम इंडिया ने विश्व कप में बेहतरीन और शानदार आगाज किया है, अपने सभी मुकाबले जीतकर अपने करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया है। लेकिन वहीं आज भारत और बांग्लादेश के बीच जबरदस्त मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की तरफ से बेहतरीन शुरुआत हुई। बांग्लादेश के ओपनर लिटन दास और तंजीद हसन अपनी टीम के लिए बेहतरीन ओपनिंग शुरुआत दी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर टूट कर प्रहार किया और पहले विकेट के लिए 93 रनों की पार्टनरशिप की और फिर टीम के लिए अंत में महमदुल्ला ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए 46 रन जोड़े और अपनी टीम के स्कोर को 50 ओवर में 8 विकेट पर 256 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं टीम इंडिया की तरफ से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। वहीं भारतीय टीम के लिए यह लक्ष्य हासिल करना बिल्कुल भी कठिन नहीं होने वाला था क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा बेहद आक्रामक अंदाज में थे और टीम के लिए ओपनिंग करने मैदान पर उनके साथ शुभमन गिल उतरे। भारतीय टीम को भी इन दोनों ओपनरों ने बेहतरीन शुरुआत दी, इसके बाद एक कई चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। बांग्लादेशी गेंदबाजों पर पहले ही ओवर से टूट कर प्रहार किया। रोहित शर्मा तो बेहद अलग अलग अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, हर बांग्लादेशी गेंदबाज के चौके छक्के छुड़ा रहे थे। देखते देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। इसके बावजूद इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और अपनी टीम धीरे धीरे जीत की तरफ आगे बढ़ने लगे। लेकिन 13 ओवर में कप्तान रोहित शर्मा हसन महमूद के ओवर में अपना विकेट गवा बैठा और भारतीय टीम को 88 रनों पर पहला झटका लग गया। मगर शुभमन गिल अभी तक मैदान पर टिके हुए थे और उनके साथ देने अब विराट कोहली आ चुके थे। ये दोनों बल्लेबाज भी बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते शुभमन ने अपना तूफानी शतक ठोक दिया। वहीं दुख विराट कोहली का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। आते ही उन्होंने चौके और छक्कों की बौछार कर दी और भारतीय टीम को जीत की तरफ आगे बढ़ाने लगे। इन दोनों का बल्ला बेहद ही आक्रामक अंदाज में बोल रहा था, बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इन दोनों ने कुछ मिनट तक ऐसी तबाही मैदान पर मचाई कि भारतीय टीम को एक तरफ यादगार जीत दिला दी और इस जीत से पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। भारत की जीत के बाद विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा ने इन तीनों की यादगार पारी पर ऐसा बयान दिया जिससे करोड़ों भारतीय फैंस अनुष्का शर्मा को सलाम करने पर मजबूर हो गए। तो चलिए अब आपको बताते हैं अनुष्का शर्मा ने ऐसा क्या कुछ बयान में दिया। भारतीय टीम की बल्लेबाजी पर अनुष्का शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने अपना चौथा मुकाबला भी शानदार तरीके से जीता। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई और फिर कोहली ने पारी को संभाल कर यादगार जीत तक पहुंचाया। रोहित की बल्लेबाजी देखकर मैं बेहद खुश हुई। रोहित जब अटैक करते हैं गेंदबाजों पर तब हर गेंदबाज हैरान रह जाता है क्योंकि रोहित बड़े बड़े और लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। वहीं उनका खेल देख गिल भी आक्रामक अंदाज में आ गए थे और भारत को जीत की तरफ बढ़ाया। वहीं अंत में विराट कोहली ने भी टीम के लिए अहम योगदान दिया और बेहतरीन जीत दिलाई। इसी के साथ अनुष्का शर्मा ने आगे बयान देते हुए कहा है, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय टीम विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लेगी क्योंकि हर मजबूत टीम को भारतीय टीम ने हरा दिया है और हमारे सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं। रोहित, शुभमन गिल और विराट कोहली की बल्लेबाजी देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान होगा। केवल मैं ही नहीं और हो भी क्यों ना, टीम को इतनी शुरुआत मिली थी। भारतीय टीम को चौथी जीत की बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, अनुष्का शर्मा ने अपने बयान से करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। लेकिन आपको क्या लगता है रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली में कौन इस मैच का रियल हीरो होगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।